नमस्कार, आज हम लोग जर्मन चांसलर फेलोशिप प्रोग्राम पर बात करेंगे जो अलेक्जेंडर फॉन हुम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा आयोजित होता है। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बिहार के मधुबनी जिले के विभु मिश्रा जी हैं, जो 2017-18 में खुद इनके इसके लाभार्थी रहे हैं। इन्होंने रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम में पढ़ाई की है, तो इस बातचीत के दौरान हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में भी विस्तार से जानेंगे और साथ साथ इनके बारे में भी जानेंगे थोड़ा बहुत। तो ये प्रोग्राम क्या है, इसकी क्या जरूरतें हैं और क्यों बच्चों को इसका लाभ उठाना चाहिए, तो इसी प्रश्न के साथ हम स्वागत करते हैं विभु मिश्रा जी का। स्वागत है। थैंक यू प्रकाश भैया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बिहार फ्रेटर्निटी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने खुद जब हम बर्लिन में थे तो एक एक दो इवेंट वहां पे बिहार फ्रेटर्निटी का अटेंड किए थे, और वो गाना जो एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार है जो सूरीनाम में रहते हैं, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट जो उनका गाना है, जी जी बिल्कुल, तो उनका जो गाना है रेलिया बैरन, वो अभी भी गुनगुनाते हैं हम लोग यहाँ पर बिहार वापस आ गए तो भी। तो आप लोगों का धन्यवाद, पूरी बिहार फ्रेटर्निटी का धन्यवाद, जो पूरे कम्युनिटी का आप लोग ध्यान रखते हैं, गलत सही सब चीज में मदद करते हैं जो भी लोग वहां जाते हैं इसके लिए। तो इस फेलोशिप के बारे में अगर बात करें तो ये फेलोशिप एक लगभग 14 महीने का फेलोशिप है जो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी चांसलर ऑफ जर्मनी के ऑफिस से दिया जाता है, और इसको अलेक्जेंडर फोन हुम्बोल्ट फाउंडेशन मैनेज करती है। अलेक्जेंडर फोन हुम्बोल्ट फाउंडेशन का हेड ऑफिस जो है वो बॉन में स्थित है, और इस फेलोशिप में आपको जो पूरा फेलोशिप है वो 3 प्रमुख पार्ट्स में है। पहला पार्ट है लैंग्वेज कोर्स, जो 2 या 3 महीने का आप बॉन में ले सकते हैं, जो कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय अलेक्जेंडर फोन हुम्बोल्ट फाउंडेशन। उस दौरान आपको रहने के लिए एक होटल का कमरा और सारी चीजें वो स्पॉन्सर करते हैं, चाहे आप परिवार के साथ जाएं तो उनके लिए भी लैंग्वेज कोर्स वो स्पॉन्सर करते हैं बॉन में 3 महीने का। सो दूसरा पार्ट इस फेलोशिप का है वो इंट्रोडक्टरी सेमिनार। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से पिछले वर्ष इस वर्ष इंट्रोडक्टरी सेमिनार नहीं हुआ, अब तो पिछले वर्ष वापस हो गया, तो अक्टूबर में जनरली वो होता है तो वो नहीं हुआ। तो उसमें जो जर्मनी के प्रमुख संस्थान है, GIZ है, DIE है, बर्लिन में, बॉन में, हर जगह आपको ले जाते हैं आपको उनके बारे में बताने के लिए कि जर्मन सोसाइटी कैसा है, यहाँ का पॉलिटिक्स कैसा है, यहाँ के कल्चर्स कैसे हैं, डिसीजन मेकिंग यहाँ कैसे होता है, इन सारी चीजों आपको बहुत सारे जर्मन सोसाइटी के बारे में आपको उसके थ्रू जानकारी मिलती है, आपको डिसीजन मेकर से इंटरेक्ट करने का चांस मिलता है। बॉन में DHL का हेड ऑफिस है, DHL में जाते हैं आप, सस्टेनेबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो ये सारे डिफरेंट विजिट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लगभग 1 महीने का ये होता है। उसके बाद बर्लिन में जाके सारे फेलोज अक्टूबर एंड पे नवंबर फर्स्ट वीक पे अपने अपने डेस्टिनेशन पे, जो भी उनका होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जाते हैं, और फिर वहां से शुरू होता है आपका फेलोशिप। आप अपना रिसर्च करते हैं, बेसिकली जो फेलोशिप है उसमें आप अपनी इच्छा से रिसर्च कर सकते हैं, अपनी इच्छा के होस्ट के साथ जो भी आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो आपका फेलोशिप वहां से शुरू होता है, आप रिसर्च करते हैं, बीच में अप्रैल के माह में एक स्टडी टूर भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जो जर्मनी के किसी शहर से शुरू होकर यूरोपियन कमीशन ब्रसेल्स में खत्म होता है। वहां पे आपको बहुत सारे यूरोपियन कमीशन के सीनियर डायरेक्टर, सीनियर एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट, प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्ट करने का आपको चांस मिलता है। तो हमारे टाइम में ये टूर जो है वो ड्रेसडन से शुरू हुआ था, और ड्रेसडन से होते हुए जर्मनी का पूरा येना, कार्लसरूह, ऐसे करते हम लोग ब्रसेल्स पहुंचे थे, फ्रैंकफर्ट। तो ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। और अगर आप फेलोशिप किसी कारणवश जो 11 महीने का ड्यूरेशन है, अक्टूबर से जो 11 महीने का ड्यूरेशन है, अगर आप खत्म नहीं कर पाते हैं तो आपको 1 से लेकर 3 माह तक का एक्सटेंशन भी दिया जाता है, वही जिसकी शर्त भी वही होती है जो फेलोशिप में जो भी आपको स्टाइपेंड मिलता है, उसी शर्त के अनुसार आपको 1 से 3 माह तक एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए, हमारे इंडियंस के लिए, स्पेशली बिहारी कम्युनिटी के लिए, जर्मनी जाके वहां के समाज को देखना।
आई थिंक ब्रॉडली इस फेलोशिप के बारे में जी। तो अब हम लोग थोड़ा इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे और क्या इसके प्राइम रिक्वायरमेंट्स हैं। सो प्राइम रिक्वायरमेंट्स इसका सिर्फ एक ही है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन से 12 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 12 साल के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। मास्टर्स कतई जरूरी नहीं है। उसके बाद एक सबसे पहले जो सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है इस फेलोशिप का, जैसा कि आपने पूछा, वो है कि आपको जर्मनी में एक होस्ट ढूंढना होता है और उस होस्ट से आपको एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। वो रिकमेंडेशन लेटर अलेक्जेंडर फोन हुम्बोल्ट फाउंडेशन को जाता है और तब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं एक प्रोजेक्ट बनाकर, जो आप उस होस्ट के साथ मिलकर या स्वयं भी या ये आपके होस्ट पे डिपेंड करता है कि वो आपके फेलोशिप में कितना इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। तो उनके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट या स्वयं भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेवलप करके आप जर्मनी में अपना इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपने बताया जैसे ग्रेजुएशन चाहिए, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ प्रोफेशनल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी चाहिए, कुछ ऐसा भी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपने होस्ट की चर्चा की, ये होस्ट कैसे ढूंढा जाता है? होस्ट सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है इस फेलोशिप के लिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जर्मनी कभी गए नहीं है, वहां कोई कनेक्शन नहीं है। बट ट्रिकी भी है और ये एक अप्लाई करने के लिए एक बॉटलनेक भी है, बिना होस्ट के आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो जो मैंने ढूंढा था होस्ट, सो बेसिकली जो मेरा प्रोजेक्ट आइडिया था, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल बिजनेसेस, सोशल इम्पैक्ट इन जर्मनी, तो उससे संबंधित मैंने गूगल सर्च किया, लिंक्डइन पे लोगों को ढूंढा, जो पुराने साल के जो फेलोज थे उसमें जो भी रिलेटेड होस्ट्स लगे, जिन्होंने फेलोज को पहले से होस्ट किया है, चाहे वो किसी भी देश के हो। ये फेलोशिप बेसिकली 5 कंट्री के लोगों को दिया जाता है और इस साल से साउथ अफ्रीका को भी ऐड किया जा रहा है, यूएस, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, और इस साल से साउथ अफ्रीका। सो टोटल 6 कंट्रीज के लोगों को दिया जाता है। तो पुराने जो होस्ट थे जिन्होंने लोगों को होस्ट किया है, उन सबको देखकर मैंने लोगों को ईमेल किया, एक 1 पेज का प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट नोट बनाया और अपना सीवी बना के उनको ईमेल किया कि ये मेरा प्रोजेक्ट आइडिया है, ये मेरा फेलोशिप है, ये अलेक्जेंडर फोन हुम्बोल्ट फाउंडेशन का फेलोशिप है जिसका जर्मन चांसलर फेलोशिप नाम है। और उसमें से जो पहला पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, इनफैक्ट हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी से आया पहला पॉजिटिव रिस्पॉन्स, वो एज एक्सेप्ट कर लिया उसको। सो कोल्ड ईमेलिंग और लिंक्डइन के थ्रू लोगों को कनेक्ट, और अगर आप पर्सनली किसी को जानते हैं तो आप ऑब्वियसली उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में किन खास बातों का ध्यान रखना जाना चाहिए? थैंक यू, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सो अलेक्जेंडर फोन हुम्बोल्ट फाउंडेशन बोलती है और जर्मन चांसलर फेलोशिप के वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि वी इन्वेस्ट इन पीपल, नॉट ऑन प्रोजेक्ट्स। सो ये एक लीडरशिप फेलोशिप है। तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं तो आपके जो पुराने, चाहे आपका कुछ सालों का एक्सपीरियंस है या चाहे आप फ्रेश हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको उस दौरान जो लीडरशिप की जो एक्टिविटीज आपने अपने लाइफ में करी है उसको हाईलाइट करना चाहिए आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। जैसे कोई आपके वर्क लाइफ में, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं वर्क लाइफ में, आप अपने चैलेंजेस बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चैलेंज आया जब मैं किसी कंपनी में काम कर रहा था तो इसको मैंने कैसे ओवरकम किया, तो इससे लीडरशिप की कौन कौन सी ट्रेट्स उभर कर आती हैं। सिमिलरली जब आप कॉलेज में थे, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए आपने, क्या नया काम किया, क्या बड़ा काम किया, क्या अच्छा काम किया, ये सारी चीजें आपको हाईलाइट करनी पड़ती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ साथ जो आपका होस्ट का लेटर है प्लस दो रिकमेंडेशन लेटर है, ये तीनों भी सिंक में होना चाहिए कि आप जो बता रहे हैं कि आपका जो ये लीडरशिप क्वालिटीज है वो कहीं ना कहीं आपके रेफरेंस लेटर जो इंडिया से आप देते हैं उसमें मेंशन होना चाहिए कि हाँ, और उसको कंफर्म करना चाहिए, तो ये काफी पॉजिटिव होता है। आपने जिक्र किया प्रोजेक्ट डेवलप करने का, ये कैसे कर सकते हैं? प्रोजेक्ट डेवलप में मेरा सजेशन यही होगा कि आपको 3 डॉट्स को कनेक्ट करने हैं। पहला डॉट ये है कि आप जर्मनी आने से पहले क्या कर रहे थे,
आप जर्मनी में जाके क्या करेंगे और जर्मनी के बाद क्या करेंगे, लाइक जर्मनी इस फेलोशिप के खत्म होने के बाद क्या करेंगे, इन तीन डॉट्स को आपको मोस्ट लॉजिकल वे में कनेक्ट करना है। तो अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके काम से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है, आप वो चूज कर सकते हैं, लेकिन वो चीज जर्मनी में अच्छा होना चाहिए, तभी आप वहां जाके सीखेंगे, तभी गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी आप पे पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो ये दो या तीन एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली, वो आपके कहीं ना कहीं काम से, अगर आप इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट के रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप फॉरेन पॉलिसी का प्रोजेक्ट ले लेते हैं और आप इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं तो आप फिर भी कर सकते हैं, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इंटरव्यू के दौरान हो सकता है कि आपको उसको डिफेंड करने में परेशानी आए, और हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि आप इस प्रोजेक्ट को करने के लिए बेस्ट पर्सन क्यों है, कैसे है, तो वो डिफेंड करने में परेशानी होती है। तो इसीलिए इन तीन डॉट्स को आप जर्मनी आने से पहले क्या कर रहे थे, जर्मनी में क्या करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको मोस्ट लॉजिकल वे में आपको कनेक्ट करना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप चूज कर रहे हैं, वो जर्मनी में बहुत बढ़िया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी सस्टेनेबिलिटी के लिए जाना जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जाना जाता है, सोलर के लिए जाना जाता है। यूरोपियन कमीशन में उसका, अगर फॉरेन पॉलिसी की हम लोग बात करें तो यूरोपियन कमीशन में उसका काफी लीडिंग रोल है, उसके लिए जाना जाता है। एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। फैमिली उंटरनेमेंट, फैमिली बिजनेसेस के लिए जाना जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपको पहले से रिसर्च करनी पड़ेगी और उससे संबंधित आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपको आपके स्वयं के लिए भी ज्यादा फायदेमंद है जब आप वही चूज करें जो वहां बहुत अच्छा है, जो आपको सीखने को मिले। एक आम प्रश्न उठता है कि जर्मन भाषा या कितनी आवश्यकता है एप्लीकेशन अप्लाई करने में और साथ ही जर्मनी में रहकर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने में। थैंक यू, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से और प्रोजेक्ट एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको जर्मन भाषा अप्लाई करते समय नहीं आना चाहिए, इंग्लिश ही इसका लैंग्वेज है, मेनली लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जर्मन कोर्स वहां पे कराया जाएगा बॉन में, और आप वहां से सीखना शुरू करेंगे आप, लेकिन आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में ही कर सकते हैं। मैंने भी अपना पूरा प्रोजेक्ट इंग्लिश में ही किया। हाँ, मैंने A1 A2 लेवल पे कुछ जर्मन सीखी जो आपको जर्मन सोसाइटी में, जर्मन कल्चर में घुलने मिलने के लिए जरूरी है। कभी स्टेशन पे जाएं, आपको टिकट खरीदना है, कभी आप पानी की बॉटल खरीदनी है, तो छोटे मोटे जो जर्मन वर्ड्स हैं ये आपको आने चाहिए। उसके अलावा जनरली कोई ज्यादा इश्यूज नहीं लैंग्वेज का। इस प्रोग्राम के तहत जो ग्रांट मिलता है, मंथली ग्रांट, मेरे अनुसार वो पर्याप्त है, और क्या आपको लगता है ये पर्याप्त है या जो आ रहे हैं उनको अलग से भी एक फंड कॉर्पस रखना चाहिए? थैंक यू भैया, आप क्योंकि काफी समय से जर्मनी में रहते हैं तो आपको पूरा अंदाजा है कि जो ग्रांट मिलता है, अभी रिसेंटली थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया भी है, 2170, 2470 और 2770 यूरो। ये मेरे हिसाब से पर्याप्त है, तीनों ब्रैकेट्स जो भी आपको, तीनों में से जो भी मिले मेरे हिसाब से पर्याप्त है, आपको अपनी तरफ से किसी भी एडिशनल फंडिंग की आवश्यकता नहीं। अगर आप फैमिली लेके, दो चीज में और ऐड करना चाहता हूं, अगर आप फैमिली लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए एडिशनल ग्रांट है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो उसके लिए भी एडिशनल ग्रांट है। ये हो सकता है जर्मन सरकार की तरफ से हो या हो सकता है वो फाउंडेशन की तरफ से हो, बट उसके लिए भी एडिशनल ग्रांट है फैमिली के लिए। आप अपने अनुभव से क्या कह सकते हैं जर्मनी एज ए कंट्री कैसा है रहने के लिए और करियर अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से? मेरे अनुभव के हिसाब से जर्मनी काफी अच्छा कंट्री है, काफी लाइक डेवलप्ड है, भारत से कई मायने में बहुत आगे है। अगर कोई वहां जाकर रहना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो काफी मतलब जर्मनी और ये फेलोशिप मेन आपको एक उद्देश्य, एक प्लेटफॉर्म देता है। अगर आप जर्मनी में अपना करियर लॉन्च करना चाहते हैं, ऐसा वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जर्मनी अभी यूरोप में ब्रेक्सिट के बाद आई थिंक सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन होगा रहने के लिए, काम करने के लिए, फैमिली के साथ रहने के लिए,
पढ़ाई के लिए भी, आपके आने वाले जनरेशन के लिए, आपके फैमिली के लोगों के लिए, तो इन सारे चीजों के लिए मेरे हिसाब से लाइक जर्मनी इज द बेस्ट चॉइस एज फार एज यूरोप इज कंसर्न्ड। हमने काफी पॉइंट्स को कवर कर दिया है और साथ ही वीडियो में हमारा इस प्रोग्राम का रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स लिंक्स है वो स्क्रॉल होते रहेंगे, और जिनको और ज्यादा जानकारी चाहिए वो हमें ईमेल कर सकते हैं, हम उन्हें राइट पर्सन से कनेक्ट करवा सकते हैं। connect@bihafertility.org पर आप ईमेल कर सकते हैं अगर किन्हें और जानकारी चाहिए तो बिबू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। थैंक यू प्रकाश भाई, थैंक यू।